प्रसाद यादव जी के 74वीं जन्मदिन के अवसर पर आज एकंगरसराय प्रखंड कमेटी के द्वारा आयोजित इस समारोह के स्मारक कर रहे हम लोगों के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई बलराम मिस्त्री जी, इस मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ सहयोगीगण और इस्लामपुर प्रखंड के दूर दराज से आए हुए हमारे पार्टी के समर्थक और कार्यकर्तागण, और ये जो तारापुर मुसहरी है इसको अंदराल खास मुसहरी भी बोलिए या तारापुर मुसहरी, यहाँ के तमाम जो हमसे उम्र में बड़े हैं हमारे पिता कुल अभिभावक हैं, हम उम्र भाइयों माताओं और बहनों, आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा है उनके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों की कोई पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, और लालू जी ने देश के अंदर जो सामाजिक न्याय का आलोक जगाया, गरीबों को मान सम्मान और प्यार देकर के समाज के शोषित वंचित दलित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, जिसके वजह से आज डॉक्टर लोहिया के मरने के बाद लालू प्रसाद भी पूरे देश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के मसीहा है। आपको याद होगा 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले इस बिहार के अंदर काफी समाज के अंदर आपस में असमानताएं थी, और खास करके जो हमारे गांव में रहने वाले गरीब मजदूर शोषित दलित वंचित समाज के लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा से हमेशा अलग रखा जाता था और उनको समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन लालू जी ने उनको लड़ने के लिए सिखाया और कहा कि तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि इस समाज के अंदर बड़े लोग हैं उनका भी वह हक है, और तुम दोनों का हक बराबरी है, इसलिए जहां तुम समझते हो कि हमारे हक के साथ हमारे अधिकार के साथ अन्याय हो रहा है पक्षपात हो रहा है वहां निर्भीक होकर के खड़ा होकर के तुम लड़ो और अपनी बात को सरकार से लेकर के संसद से लेकर के जहां भी जरूरत हो ईमानदारी के साथ रखने का काम करो, यह पहचान है लालू यादव का। और यही कारण है कि लालू जी के आने के बाद बिहार में एक गरीबों के बीच एक सम्मान की भावना पैदा हुई, आप समाज के सबसे गरीब वंचित समुदाय के लोग थे उनको लगा कि हमारे बीच एक ऐसा नेता आया है जो हमारे ही बात करता है, हमारे ही पक्ष में बोलता है, हमारी ही आवाज उठाता है, हमारे ही समस्याओं को वो गिनाता है, इसलिए लोगों ने लालू जी को एक जन नेता के रूप में बिहार और देश के अंदर हाथों हाथ ले लिया। लालू जी ने कहा गरीबों पढ़ना लिखना सीखो, जो इस बात को बोलते थे वो बोलने के पीछे कारण था कि वो चाहते थे कि अभी जो समाज में शिक्षा का दौर है यदि आप अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो आप समाज के मुख्य धारा से अलग हो जाइएगा, इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर ये मिसाल है कि लालू जी ने अपने शासन काल में चरवाहा विद्यालय खुलवाया। आज इस चरवाहा विद्यालय का बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लालू जी की सोच थी कि गांव के अंदर जो रहने वाले गरीब हैं उनके बाल बच्चे हैं वो अपने भरण पोषण अपने जीविका उपार्जन के लिए वो दिन भर काम करते हैं और उसी काम के अंदर समय निकाल करके वो यदि शिक्षा के प्रति जागरूक होता है अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है तो
तो एक शिक्षा का स्तर का और समाज का विकास होगा, ये सोच था लालू जी का। इसलिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलवाने का काम किया। उसके साथ आपको याद होगा जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, गरीब की बस्तियों में जाकर के सरकारी पदाधिकारियों को लेकर करके उनको स्नान कराना, उनका नाखून कटवाना, उनका बाल कटवाने का काम किया करते थे। ये क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि जो पहले का शासक वर्ग था वो गरीबों तक पहुंचता नहीं था, वो गरीबों के बीच बैठने की हिम्मत नहीं जुटाता था, उसको हेय दृष्टि से देखता था, सिर्फ उसका वोट लेता था। लेकिन जब लालू जी सत्ता में आए तो उसके बीच जाकर के उठ के बैठ करके उसको स्नान करा के, उसका बाल कटवा के, उसका नाखून कटवा के ये संदेश दिया कि हम भी तुम्हारे ही वंशज है, हम भी तुम्ही लोग के बीच के आदमी है और तुम्ही लोगों ने हमको सत्ता सौंपा है, ये सत्ता का सही हकदार तुम हो। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेतों और खलिहानों से जंग लड़ो, मैदानों से खेतों और खलिहानों से जंग लड़ो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब देखिए इस्लामपुर के विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद। के जनजीत के हुतवा दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों के मसीहा लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू रावड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष। जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर चलना सीखो। खेतों और खलिहानों से जंग लड़ो, मेहमानों से खेतों और खलिहानों से जंग लड़ो, मेहमानों से। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय कृषि नीति वापस लो, वापस।